पढ़ेंगे। इसलिए शिक्षा है कि अगर समाज को सुधारना है तो एक दिया जो सबसे मजबूती से रोशनी दे सकता है तो वो शिक्षा है। तो शिक्षा की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, और आईटी जिसके बिना आज दिन की सुबह और शाम नहीं हो सकती, वो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बहुत बहुत स्वागत। योगेंद्र जी, एक सवाल है कि आगरा ने आपको बहुत कुछ दिया, 3 बार विधायक बनाया, सबसे कठिन सीट से आप चुनाव लड़ते हैं, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और टफ सीट है। आगरा ने आपको सब कुछ दिया, मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, सम्मान दिया, आप आगरा को क्या दे रहे हैं? माइक उठा ले सर। तो इस पहल में अपनी बात रखूंगा। पहले मैंने, आगरा ने मुझे बहुत कुछ दिया। पहला चुनाव मुझे 27,000 वोटों से जितवाया, दूसरा 52,000 से जिताया और तीसरा 57,000 से जिताया। ये बढ़ते हुए क्रम, इसका मतलब मैंने भी आगरा वासियों को जो वादा किया था पूरा किया होगा, तभी उन्होंने मुझको बढ़ते हुए क्रम में चुना। तो आगरा उस समय पानी की बहुत बड़ी समस्या थी जब मैं पहला चुनाव लड़ा, तो मैंने वादा किया था आगरा के लोगों से कि मैं पानी की समस्या का निदान दूंगा। तो पहले इस पहल में मैंने लगभग 400 सबमर्सिबल पंप गली गली लगवाए, यानी हर चौथे पांचवें दिन एक पानी की समस्या का निदान दिया। फिर आगरा में ये अस्थाई समस्या का निदान था, अस्थाई निदान था समस्या का, स्थाई निदान को भी होना चाहिए। तो लगा था मैं गंगा जल प्रोजेक्ट को पूरा कराने में, जो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, और ईश्वर की कृपा हुई कि वह पूरा हुआ। आगरा को 400 MLD पर डे पानी की ज़रूरत थी, यमुना से मात्र 100-125 MLD पानी पर डे मिलता था, आज 350 MLD गंगा जल प्रतिदिन आगरा को मिल रहा है। और अब आगरा वाले आपको भागीरथ भी कहते हैं, ये उनका स्नेह है। इंटरनेट पर एक वर्ड भी आपके नाम के साथ सर्च करने पर मिलता है कि गंगा जल प्रोजेक्ट के लिए लोग आपको भागीरथ बुलाते हैं, ये उनका स्नेह है। वैसे तो मैं ईश्वर को मानता हूँ, करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा, लेकिन है। आपको नहीं लगता है कि गंगा का जल जो समर्सिबल में आया है उसे आरओ में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है? नहीं, गंगा का पानी इन पानी से अच्छा है, बिस्लरी के पानी से। टेस्टेड बात बता रहा हूँ मैं, कि टेस्ट करा है लैब में, ग्राउंड वाटर और बिस्लरी वाटर और गंगा जल। मतलब आपके घर में आरओ नहीं है? ना, आरओ नहीं है। अब आरओ बंद हो गए 90% लोगों के, जो शौकिया चला रहे होंगे चला रहे होंगे। मैं एक उदाहरण बता दूं आपको, कोरोना काल में अनिल वर्मा एक एडवोकेट है, इनकम टैक्स के बहुत बड़े लॉयर हैं आगरा के, उनका फोन आया मेरे पास कि बधाई हो योगेंद्र जी और धन्यवाद आपको। मैंने कहा काय की बधाई हो, काय की धन्यवाद, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था उस समय। तो बोले हम बैठे ठाले कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉलोनी के लोग अपने पार्क में बैठकर एक हमने टेस्ट किया अपने ग्राउंड वाटर का, अब आपके नल से जो गंगा जा रहा है उसका और बिस्लरी का, गंगा जल सबसे बढ़िया निकला उस टेस्ट में, इसलिए आपको धन्यवाद सहित बधाई। ये आपने बड़ी बात कही कि आप आरओ का पानी नहीं पी रहे हैं। नहीं, ये जब अच्छा पानी मिल रहा है तो आरओ की जरूरत क्या है। लेकिन मंत्री जी, एक सवाल है कि आप भागीरथ कहे जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी भी इलाके हैं जो गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं और वहां पानी भी नहीं पहुंचा है, इसके लिए क्या करेंगे? ऐसा है, मैंने कहा ना, जब यमुना से 100-125 MLD पानी पर डे जल संस्थान उठा पाता था तो सप्लाई नहीं कर पाता था। फिर जब मैंने गंगा जल ले आने की मुझे मालूम पड़ गई, 2018 दिसंबर तक गंगा जल आगरा में आ जाएगा, और आगरा में 9 जनवरी 2019 आगरा वासियों के इतिहास की वो तारीख बन गया जब मेरे नेता मोदी ने बटन दबाया और यमुना मैया के शहर में गंगा मैया आई थी जिस दिन। एक बात, दूसरी बात ये, अब उसका वितरण कैसे हो, इसका मैंने पहले से सोच लिया था। तो 2017 से इस योजना में लगा कि अब वितरण की व्यवस्था ठीक हो जाए। कम से कम 40% आगरा में वितरण की व्यवस्था थी ही नहीं, जल संस्थान का पानी पहुँचता ही नहीं था। तो लगभग 200 करोड़ की एक योजना बनी है और उसमें काम चल रहा है, पूरे दक्षिण विधानसभा, उत्तर विधानसभा में, वहाँ पर पानी की सप्लाई की पूरी, उसमें 7 ओवरहेड टैंक, 4 अंडरग्राउंड टैंक, 4 पंपिंग स्टेशन, इतना विशाल काम चल रहा है और लगभग पूरा होने को है। मेरे को उम्मीद है कि दिसंबर तक
वो पूरे एरिया में गंगा जल पहुंच जाएगा जहां पानी की व्यवस्था जल संस्थान की थी ही नहीं। चलिए अब आगरा की ही बात आप कर रहे हैं, तो ये जो कोर्ट से आदेश है कि 500 मीटर में व्यवसायिक कोई काम नहीं कर सकता है ताज के, तो इसको लेकर इतना आंदोलन हो रहा है, एक आदमी की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई है, पूरा जो आगरा है आसपास का पूरा आंदोलनरत है, तो सरकार और आप सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कोई भरोसा देंगे? क्योंकि आज मैं जब आगरा आया तो केवल यही सवाल था कि वो 500 मीटर वाला सवाल मंत्री जी से ज़रूर पूछ लीजिएगा साहब, हम लोगों के जीवन का सवाल है। देखिए 500 मीटर वाला जो सवाल है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है, और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, लेकिन फिर भी संवेदनशील हमको होना चाहिए और संवेदनशील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को भी होना चाहिए। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय न्यायाधीश उतने संवेदनशील विषय पर कुछ ऐसा निर्णय देते हैं जो कि मानवीय संवेदनाओं पर चोट पहुंचाता है, तो इसके लिए सरकार जो कर सकती है वो करेगी। और चूंकि कई विषय हैं जो मानवीय संवेदनाओं को छूते हैं लेकिन माननीय न्यायालय उसमें अलग फैसला दे देते हैं। लेकिन उपाध्याय जी पता है जनता के बीच में क्या लगता है, ये हो सकता है बहुत सारी टेक्निकलिटीज हो जो हम आप समझते हो या लॉ से जुड़े फर्म समझते हो, लेकिन जिसके घर की रोजी रोटी छिनती है वो 2 से 3 लाख के करीब लोग हैं, आपके विधायक जी बता के गए, उन्हें ये लगता है कि बीजेपी को हमने इतनी पावर दी है ये तो कुछ भी कर सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। और पता नहीं कितने, आप मुझे बताइए कि माननीय न्यायालय के आगे हम क्या करें, वो हम करेंगे क्या? माननीय न्यायालय ने जो निर्णय लिया है उसको आम जनमानस का सवाल बता रही हूं, आम जनमानस कैसे समझाएं? आम जनमानस का सवाल हम समझाते हैं, गूगल करके भी समझ, हम समझाते हैं आम जनमानस को, और कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। ये जिंदगी और रोजगार का, नहीं रोजगार है जिंदगी है, यह तो मैंने कहा संवेदनशील मुद्दों पर माननीय न्यायालयों को भी संवेदनशीलता रखनी चाहिए। देखिए एक बड़ा सवाल आप कह रहे हैं और बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, एक हिम्मत दिखा रहे हैं कि न्यायालय को भी आप कह रहे हैं, जजेस को भी कह रहे हैं कि संवेदना व्यक्त करने की जरूरत है। चलिए आप शिक्षा मंत्री हैं तो एक सवाल शिक्षा से भी हो जाए, आगरा की बात तो हो गई, वक्त कम रहेगा, शिक्षा को लेकर दिनेश शर्मा थे, बहुत काम किया उन्होंने, कहा कि मैं बहुत काम किया, आपकी सरकार भी हो गई, तो ये जो नकल माफिया हैं MBBS BMS की परीक्षाएं सड़क पे बैठ के अभी नकल किए जा रहे हैं, स्कूटर पे बैठ के नकल हो रहा है, सड़कों पर हो रहा है, ये भी कभी यहाँ से साफ होगा कि नहीं होगा? देखिए किसी भी देश का और प्रदेश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि कोई राजनीतिक दल इस नाम पर वोट मांगे कि हम आपको नकल का अधिकार देंगे, और इस प्रदेश का दुर्भाग्य था ऐसे राजनीतिक दल आए जिन्होंने इस नाम पर वोट मांगा कि हम आपको नकल का अधिकार देंगे, और उन्होंने भंटाडार किया पूरे सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का, जब से मोदी जी और योगी जी आए हैं उसको हम नहीं, तो लेकिन ये अभी की बात है ना, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ, ये अभी की बात नहीं है, ये जड़ें अभी कॉपी एक्सचेंज, ये जड़ें पुरानी चल रही है ना, अब पकड़ में आए हैं हमारे शासन में। अच्छा, हमने पकड़ा है उन लोगों को और पकड़कर STF को सौंपा है तुरंत इस काम को, और उसमें वो सब रैकेट पकड़ में आ रहे हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, और मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता लेकिन उनके जिनको जो पर्दे के पीछे लोग आ रहे हैं वो आप किस राजनीतिक दल के हैं आपको मालूम पड़ जाएगा, ये वो लोग हैं। लेकिन फिर भी अब हम सुधार क्या कर रहे हैं उसमें बता दें आपको कि पेपर लीक ना हो, यहां से शुरू किया मैंने अपना, आगरा में ही 2 पेपर लीक हुए थे, मैं एजुकेशन मिनिस्टर था, मैंने सीधे VC से बात की, मैंने कहा पेपर पहुंचाने का सिस्टम क्या है? अच्छा, बोले नोडल सेंटर से एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं। मैंने कैसे पहुंचते हैं? बोले कार के द्वारा। मैंने कार कौन ले जाता है? बोले एक कार निकलती है सब नोडल सेंटर से। तो मैंने कहा इसका मतलब 2 घंटे पहले निकलता होगा वो, हाँ 2 घंटे पहले नोडल सेंटर पेपर खुलता होगा, क्यों नहीं हर नोडल सेंटर पर सीधे सीधे पहुंचाते हैं आप लोग, और हर नोडल सेंटर 20 मिनट से ज्यादा की दूरी पे नहीं होना चाहिए नोडल सेंटर से एग्जामिनेशन सेंटर, हर एक के लिए अलग कार की व्यवस्था करिए, और टीन के कंटेनर में जाने चाहिए, गत्ते के कंटेनर में नहीं जाने चाहिए, ये जब से शुरू हुआ अब मतलब ये कुल मिलाकर के आम जनता की भाषा में कहें तो अब सहूलियत के साथ टेक्निकली उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर नहीं उन नोडल सेंटर के भी लॉक सीधे सेंटर से खुलते हैं डिजिटल लॉक। चलिए ये तो देखिए आने वाले वक्त में आगरा या कहीं से खबर आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कारगर है। अब इससे
सुधार हुआ उसके बाद एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अच्छा। ऐसी नकल में सुधारने की पेपर लीक तो ऐसा ये शब्द बोल दीजिए आप, मैं लिख के दे रही हूँ कि यूपी की जनता के बीच में युवाओं के बीच में जाएंगे पेपर लीक बोलते हूँ उनके। एक होता है भुक्तभोगी जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, देखिए सिस्टम में भांग है ना, तो छात्र चाहता है नकल रुके, बहुत मैं बहुत साफ बात कर रहा हूँ जी, ना अभिभावक चाहता है नकल रुके, ना शिक्षा शिक्षक चाहता है नकल रुके, ना जो संचालन कर रहे हैं विद्यालय वो चाहते हैं नकल रुके, सिर्फ सरकार चाहती है नकल रुके और उस नकल रोकने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। ये जो निजी कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, निजी कॉलेजेस हैं, इसमें पेपर लीक की जो बात है या नकल की बात है, ये जो व्यावसायिक शिक्षा का एक केंद्र बना दिए हैं, नकल को एक व्यवसाय बना दिए हैं, तो एक ठोस बता दीजिए कि कैसे, हाँ, कौन सी ऐसी चीज है जो आप अब रोक देंगे। हाँ, और नहीं, क्योंकि नहीं, पांच साल से ज्यादा की सरकार हो गई आपकी और फिर पांच साल का पूर्ण बहुमत है, ऐसा आप क्या करके जाएंगे? मैंने तो शुरुआत की है, बताऊं होगा नहीं कुछ कभी, कि हर एग्जामिनेशन सेंटर्स को वही एग्जामिनेशन सेंटर बनेगा अब, पहले क्या बनता था मुझे मतलब नहीं, अब वो बनेगा जिसके पास वो सब स्पेसिफिकेशन होंगे जो नकल रोकने के लिए चाहिए। अगर वो स्पेसिफिकेशन नहीं है सेंटर नहीं बनेगा, चाहे किसी की भी सिफारिश हो। इस बार दो, मैं कहना नहीं चाहता था जी, दो मंत्रियों की सिफारिश पर भी मैंने उनके उनके अपने जानते हैं योगेंद्र जी क्या होता अच्छा, है मंत्रियों मंत्रियों की भी बात नहीं माना आपने ना, क्योंकि अच्छा, उनके जब वो स्पेसिफिकेशन थे ही नहीं उनके पूरे, मैंने कहा स्पेसिफिकेशन पूरे नहीं है सेंटर नहीं बनेगा, नंबर एक। नंबर दो, अगर तीन साल पहले तक कहीं नकल की उनकी शिकायत आई है, प्रूफ आया है, वो सेंटर नहीं बनेगा। कोई FIR हुई है नकल की, सेंटर नहीं बनेगा। दीवार हुआ है, सेंटर नहीं बनेगा। एक तो पहला चैप्टर तो ये किया, दूसरा अब जो शुरुआत कर दी है, हर सेंटर को विश्वविद्यालय से जोड़ना है और वहाँ पर एक वार रूम होगा या कंट्रोल रूम होगा, जैसे ही शिकायत आती है कि फलाने कॉलेज में फलाने रूम में नकल हो रही है, वहीं बैठा VC दबाएगा बटन, उस रूम में क्या हो रहा है वहीं से देख लेगा और तुरंत ऐसे ही। अब उन सब विश्वविद्यालय का सेंटर एक लखनऊ में बनाने का प्रयास है और जो हमारे आगे की योजना है कि हमको अगर खबर मिलेगी तो हम उस कंट्रोल रूम से कॉलेज सेंट जॉन्स कॉलेज रूम नंबर 5। बहुत स्मार्ट साउंड कर रहा है मस्से वीरेश, लेकिन हम लोग जानते हैं ना कि योजनाएं कितनी अच्छी होती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन में सबसे ज्यादा गड़बड़ ग्लिचेस वहां, जितने ज्यादा स्टेप लेकिन क्रियान्वयन। लेकिन स्नेहलता एक चीज देख रहा है, जिस तरह से आवेश से मंत्री जी बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस इनके चेहरे पे झलक रहा है, इनके चेहरे पे सच्चाई बहुत दिख रही है। चलिए ये तो ग्राउंड पे आपके रिपोर्टर्स और आपकी टीम रिपोर्ट करेगी सर, हम लोग माइन्यूट नजर बहुत बारीकी से देखते हैं, लेकिन एक चीज बहुत खलती है क्योंकि आप IT में हैं। आगरा के लिए ये जो आज SP सिंह बघेल तीन शब्द देकर के गए हैं बहुत सही था, राहु केतु शनि की वक्र दृष्टि रहती है, वो है कि कभी कोर्ट, कभी NGT, कभी एक और फर्म, जहां से उद्योग नए यहां स्थापित करना ऑलमोस्ट मुश्किल है। ऐसे में उम्मीद क्या बचती है? व्हाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जहां प्रदूषण मुक्त व्यापार या ऐसे बाजार, या IT पार्क ग्रेटर नोएडा, नोएडा चला जाता है, लखनऊ चला जाता है। यहाँ आपको नहीं लगता है कि इस फील्ड में युवाओं के लिए यहाँ कुछ किया जा सकता है? जो से मैं बना हूँ, जो एक तो IT पार्क बन रहा है यहाँ पर, कहाँ बन रहा है? अपने शास्त्रीपुरम में शुरू कब हो गया। तक बनेगा वो? अगले साल तक आपको जनता कट जाए मंत्री जी, अगले साल बीता काटने वाले, मैं रिकॉर्ड के तौर पर आप बता रहे, अगले साल तक IT पार्क का उद्घाटन हो जाएगा, नंबर एक पक्का। नंबर दो, नक्षत्रशाला और साइंस पार्क, ये दोनों आगरा के लिए मैंने 4 दिन पहले ही सिग्नेचर किया फाइल पर कि वहां पर वो होगा। इससे क्या होगा बता रहा हूँ, नक्षत्रशाला पर्यटन उद्योग के लिए बढ़ेगा, अच्छा एजुकेशन बढ़ेगा उससे, साइंस पार्क से एजुकेशन बढ़ेगा, पर्यटन उद्योग बढ़ेगा, ये आगरा के लिए एक, ये मेरा डिपार्टमेंट है तो मैंने उनसे कहा है, तो उसके लिए DM को लिख कर भेज दिया गया है, कोई जमीन तलाश है जिससे इस काम को आगे बढ़ाया जाए। ठीक, ये काम ऐसे कर रहे हैं जिनसे कि अन्य उद्योग, अच्छा पर्यटन उद्योग को कैसे बढ़ावा मिले, हाँ। ये भी मैंने सोचा है। अरे क्योंकि वीरेश, मैंने अभी देखा कि क्या होता है, सिंगापुर में कुछ नहीं, एक डिज्नी बनाया उन्होंने अपने मैन मेड और उसमें आसपास के होटल्स के बुकिंग नहीं है। और मैंने अपने आगरा को सर्च किया, 11 से 12 लोकेशन है टूरिस्ट स्पॉट आपके पास, मकबरों से लगाए, पार्क से लगाए, ताजमहल से लगाए, 11 टूरिस्ट स्पॉट होने के बावजूद आपने कम देखे, ये बताइए यहाँ पे आपने कम देखे। यहाँ तो मुझे हर एक इंसान के घर के आगे ऑडी दिखनी चाहिए थी। मैं बता रहा हूँ कि आगरा में, मैंने सिर्फ आगरा नहीं, आगरा के एक जोन
को तलाशा है। कोसी से शुरू करेंगे और अपने फिरोजाबाद तक, इसको एक जोन करके मैंने तलाश के, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को उसका एक कॉन्सेप्ट दिया है। ये रिलीजियस प्लेस है कोसी, मतलब हिंदुओं का रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, राधा स्वामी रिलीजन, जैन रिलीजन, इसके बहुत बड़े सेंटर हैं। तो धार्मिक पर्यटक यहाँ पर आकर्षित होगा यदि हम इसको ऑर्गेनाइज कर पर्यटन क्षेत्र में परोसें। नंबर दो, हिस्टोरिकल प्लेस। अब आगरा में शिवाजी महाराज की एक हिस्ट्री रही है। हाँ, आप बनाना चाहते हैं। हाँ, जहाँ वो कैदी नजरबंद किए गए, जहाँ नजरबंद हुए, उसको मैंने खोजा। ये काम मेरा नहीं है, एक राजनीतिक नहीं है, व्यक्ति का नहीं है, लेकिन मैंने खोजा, उसको शोध किया और उसको पता लगा कि वहां पर एक स्मारक विकसित हो जो उनके शौर्य का प्रतीक होगा, साहस का प्रतीक होगा, उनकी राजनीतिक चतुराई का प्रतीक होगा, राजनीतिक कार्य योजना बनाने की और उसको कार्यान्वयन करने की क्षमता का प्रतीक होगा, जो वो बनेगा। तीसरा, राणा सांगा का इतिहास रहा है यहाँ पर। यहाँ राणा सांगा और बाबर का खानवा के मैदान में युद्ध हुआ था, उसको कई स्मारक के रूप में विकसित होना चाहिए। तो हिस्टोरिकल, रिलीजियस, कल्चरल, अब नेचुरल। आगरा की गिठम नहीं है विकास, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुने। आगरा की गिठम झील बटकल से 5 गुनी बड़ी है, वो बटकल बेच रहा है, हम ये परोस नहीं पाए। अब इन सबको सिस्टम में ला के इनको पर्यटन मानचित्र पर रखा जाए जिससे आगरा का पर्यटन उद्योग बढ़े। ये मेरा एक सोच है, विजन है, मैंने माननीय योगी जी को दिया है और वो उस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उपाध्याय जी, एक सवाल है आपसे, चूंकि बहुत संवेदनशील आप व्यक्ति हैं, तो ये बताइए, आपको नहीं लगता कि आगरा, उसके इतिहास में आप जाएंगे, अफगानिस्तान तक राज करता था, ये राजधानी जब थी तो अफगानिस्तान तक हम राज करते थे और वो आगरा सब कुछ है यहाँ पर और इसका विकास जिस तरीके से स्मार्ट सिटी भी बनाया, जगह जगह गड्ढे, जगह जगह गंदगी, तो ये कह देना कि पिछली सरकारों ने ये किया वो किया। अब ये बताइए, कुछ ऐसा ठोस चीज़ जो पूरे वर्ल्ड में आगरा को स्थान आप दिलाने जा रहे हैं आरोप प्रत्यारोप के बगैर, क्योंकि ये आगरा जिसका सुनहरा स्वर्णिम इतिहास रहा है, अफगानिस्तान तक हम राज करते रहे इसी आगरा से, तो ऐसा क्या रोडमैप आपके दिमाग में है, आगरा के लोग जानना चाहते। मैंने यही बताया अभी आपको, एक तो मुगलों से पहले भी आगरा था और मुगलों के बाद भी आगरा है, ये सब संकलन होना चाहिए। जो टूरिस्ट एक म्यूज़ियम को सिर्फ मुग़ल म्यूज़ियम नाम रखा जा रहा था, मैंने कहा वाई नॉट शिवाजी महाराज के नाम पर हो, क्यों नहीं राणा सांगा के नाम पर हो, और क्यों नहीं आगरा में पुरातन कोई है उनके नाम पर हो। और मेरे नेता योगी जी ने उस छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रख दिया उसका नाम। अब उसमें अर्वाचीन आगरा से, प्राचीन आगरा से अर्वाचीन आगरा तक का वो संकलन करके रखा जाएगा, ये एक योजना है। दूसरा, ये जो मैंने बताया अभी आपको, रिलीजियस, नेचुरल, कल्चरल और हिस्टोरिकल, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है आगरा, इसको इस तरह से टूरिस्ट जोन करके विकसित किया जाना चाहिए। और जब ये हुआ क्यों नहीं, आपके पास तो इतने अमेजिंग आइडियाज हैं, ये अब तक तो मैं आई यहाँ पे और ये सब कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए नहीं था। तो अभी तो मैं 5-6 महीने बने मुझे तो, आप भी तो लेकिन आप यहाँ से रहे हैं और आपके पास इतने अमेजिंग आइडियाज हैं, दो बार के विधायक रह चुके हैं, आगरा की, आगरा में पानी की समस्या का निदान हो जाएगा ये कोई सोच नहीं सकता था। आगरा पलायनवादी नगर बन चुका था, यहाँ हुआ तो अब जो हमने किया है उसको देखिए, जो नहीं हुआ है वो और लोग भी करेंगे और आगे आगे होगा, क्योंकि यहाँ की जनता ने जितना मैक्सिमम कर सकता था किसी सरकार को बनाने के लिए वो किया है, तो वो आपसे अगर मैक्सिमम सरकार सरकार ने भी जितना दिया है इस जरा से कार्यकाल में। अच्छा, भूल जाइए, आगरा में पहले कभी नहीं मिला। भूल जाइए, अगर आप मंत्री हैं, दिल पे हाथ रखिए, जब पूरे आगरा में घूमते हैं आपको लगता है कि ये डबल इंजन की सरकार में ऐसा ही सब कुछ, सब डबल इंजन की सरकार ने जो दिया आगरा को, कोई बदलाव पहले कोई नहीं दे पाया उससे, हमने जो दिया आगरा। आप मंत्री वाली बात कहें, एकदम आगरा आ जाइए, एकदम यहीं के रहने वाले बन जाइए और कहिए कि यहाँ की घूमती हुई सड़कों पे आपको वैसा लगता है जैसा आप चाहते हैं। आप कोई मंत्री नहीं है, कोई ऐसा है, आप, नहीं है आप मेरे क्षेत्र में जाइए, जहाँ पर पानी की लाइन पड़ रही है, सीवर लाइन पड़ रही है, जो 400 करोड़ की योजना है उनको छोड़ दीजिए, आगरा की एक, मेरे क्षेत्र की एक सड़क बता दें जो गड़बड़ हो, तो मैं चुनौती दे रहा हूँ। दूर की रिश्तेदारी हो और उनके वहाँ आपके क्षेत्र जैसा काम ना हुआ हो तो किसके, पूरे आगरा में ऐसा ही है जैसे आपके क्षेत्र में? नहीं देखिए, मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा पहले तो, और रही दूसरे क्षेत्र की बात, तो जहाँ पर पिछले दिनों और आज के में फर्क है, अगर मान लीजिए गिलास आधा खाली था, अब आधा भर गया, दो नजरिया हैं, एक कह रहा है कि आधा भर गया और एक कह रहा है आधा खाली है, देखो खाली है, देखो खाली है, तो नेगेटिव अप्रोच तो यही कहती रहेगी खाली है, खाली है, खाली है, पॉजिटिव अप्रोच
पूरा भरने के लिए आपको दिखना चाहिए पूरा, वो खाली है। नहीं पूरा भरने और पूरा आप भरने हुए वाले में गोते नहीं, आधा भर रहे हैं, आधा और भरेगा, आधा भर रहे हैं, आधा और भरेगा। ये और ये हमारे हमारे नौ विधायक मिलकर भरने की कोशिश में है। योगेंद्र जी आपने कहा ना कि इतने सांसद इतने विधायक, तो ब्रज क्षेत्र को आपको सब कुछ जनता ने दे दिया। अब ये बताइए कि 24 में ये जो मुकाबला आपका है मुलायम सिंह, मुकाबले में मुलायम सिंह, मुलायम सिंह जी दूर दूर तक कोई नहीं है। अच्छा, मुलायम सिंह जी की जो सहानुभूति है अखिलेश जी को मिलेगी, तो ये जो मैनपुरी का उपचुनाव होगा, पिछली बार तो आप लोग बहुत कैजुअल तरीके से लड़े थे, आपको लगता है इस बार आप लोग ऐसा लड़ेंगे कि वो सीट भी जीत लेंगे और पूरी सीट जो ब्रज की हो आप जीतेंगे? अभी मैंने जिस बात का जिक्र किया कि इस प्रदेश का इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता था कि कोई ये कहे कि नकल करने के नाम पर हम वोट पाएंगे या वोट मांग रहे थे। ऐसे ही जहाँ तक सवाल है मुलायम सिंह जी का, ठीक है वो एक बड़े कद के नेता थे, लेकिन कुछ राजनीतिक उनकी मजबूरी रही होंगी या क्या रहा मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने विकृति के आधार पर शासन किया, और विकृति पसंद लोग भी हैं, लेकिन धीरे धीरे जनता को समझ में आ गया और आज परचम हिंदुस्तान में भाजपा का लहरा रहा है। उस यूपी में जहां हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि बीजेपी की सरकार आएगी, भाजपा का परचम 300 से ऊपर सीट पाकर लहराता है। आप कह रहे हैं विकृति के आधार पर शासन करते थे? हाँ बिल्कुल करते। और जो उनके आपने मैयत में देखा, अंतिम यात्रा में देखा, इतनी बड़ी भीड़, इतना जनसैलाब उमड़ा, आपको लगता मैंने है कि... कहा ना कि वो थे बड़े नेता और उनके पास उनके एक विकृति पसंद लोग भी थे, लेकिन मौत पे तो हम भी गए। राजनीतिक विद्वेष हो सकता है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन मृत्यु के बाद तो सब लोग भूल जाते हैं। दर्शकों को मालूम हो कि परिवार से ही संघ से जुड़ाव रहा है आपका, आपके फैमिली बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो? नहीं, फैमिली बैकग्राउंड का नहीं, मेरा संघ से जुड़ाव रहा है। फैमिली बैकग्राउंड तो हमारा कांग्रेस का था जी। कहां का? नहीं, कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, परिवार के सब कांग्रेस ही थे, मेरे को छोड़कर। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि मेरे को लगा कि इस देश का विकास कांग्रेस नहीं कर सकता। मतलब पूरी फैमिली में जब सभी कांग्रेस के थे, और तब क्या उम्र रही होगी आपकी? मैं सबसे पहली बार 9th में था जब मैं स्वयंसेवक संघ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की घर पे क्या बताया था? घर में मुझे विरोध होता था, पिताजी कहते कहाँ जा रहा है ये, देख शाम को देखो जा रहा है इसको कहाँ जाता है। ये सिचुएशन थी, लेकिन आपको खुद से ये मंत्री जी शुरू से बगावती रहे, न केवल संघ के क्षेत्र में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी बगावती। बिल्कुल, आपकी एक बागी, और बगावत का जिक्र है। बागी नेचर, मेरा नेचर है। आप ब्राह्मण होकर भी जिस तरीके की आप हिंदू कह सकते हैं, एक बगावत और भी की अपने निजी जिंदगी में, वो भी लोग समझ गए थे कि ये बागी है या फिर उसके लिए आपने? नहीं, शुरू से ही बगावती थे, तभी तो इन्होंने वो ये कक्षा 9 में ही पकड़े गए आपकी बगावत, या फिर उससे पहले से ही देख रखा था कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ? नहीं, वो बागी तो मैं शुरू से था, लेकिन सही कॉज पर बागी था। सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। स्नेहलता, कल क्या है कि मंत्री जी उस मामले में भी बहुत वो हैं, क्योंकि कल लोक भवन में कैबिनेट जैसे ही खत्म हुआ, बोले कि जल्दी से आगरा जाना है भैया, आज तो करवा चौथ है। और हम 2 मिनट भी रुकेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होता है ना, कि ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, सबसे बड़ा घर की कोर्ट। लेकिन मंत्री जी आप यही हैं, आपके घर के हैं, और यहाँ के लोग आपको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आगरा के साथ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से बहुत जल्दी लोग दिल्ली पहुँच जाते हैं। यहाँ के लड़के जब थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं या फिर पढ़ने के लिए ही बाहर चले जाते हैं या लखनऊ चले जाते हैं, यहाँ के जो माँ बाप के बारे में मैं सोचती हूँ, उनको अपना हर वक्त सोचते रहना होगा कि हमें तो बुढ़ापा वहीं नोएडा में या लखनऊ में बिताना है, ऐसा क्यों है? अब ये जो लोग सोचते होंगे, मालूम नहीं क्यों सोचते हैं, हम तो आगरा वासी हैं, इस धरती से प्रेम करते हैं, जमीन सरजमी से प्रेम करते हैं, यहाँ का विकास कैसा हो ये सोचते हैं। लेकिन बच्चे कैसे रुकेंगे यहाँ पे? बच्चे रुक रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए क्या करेंगे आप बताइए। ऐसा है तो पूरे हिंदुस्तान के बच्चे भी विदेश जाते हैं पढ़ने, जिसको जहाँ स्कोप मिलता है वहाँ जाता है, लेकिन आगरा में अब धीरे धीरे जो विकास होगा वो अब मतलब आगरा इलेक्ट्रॉनिक, आगरा अगले 5 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बनेगा। मेरी अभी बात हुई थी कुछ दिनों पहले हीरा नंदानी जी से, मैंने कहा आगरा में आप क्यों नहीं खुलते डाटा सेंटर? अच्छा। हम आपको आगरा में जमीन देंगे। हाँ। तो योजना ऐसी बन रही है, लेकिन तो, वो तो नोएडा चला गया। नहीं, जब नोएडा चला गया है, जब उन्होंने मुझे आके मिले तो मैंने कहा हम चाहते हैं आप आगरा में भी खोलिए। अच्छा। तो आगरा में दूसरा सेंटर खोलना चाह रहे हैं? हाँ, एज सेंटर है वो आगरा में,
खोलेंगे आईटी के लिए और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आईटी को लेके लड़के जो हैं बहुत बाहर जाते हैं, अमेरिका यूएस हर जगह जाते हैं, तो ऐसा क्या करेंगे आप? यहाँ पर डाटा सेंटर्स खुले, ये अपना प्रयास रहेगा, और जितने भी उद्योगपति हैं जो इस काम को करते हैं, जो निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको आमंत्रित करेंगे। सबसे बड़ा जो 65,000 की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में की है, उसमें 25,000 करोड़ का आईटी ने दिया है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, हम बहुत डिटेल में जानना चाहेंगे थोड़ा, मतलब कि जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो जाती है, खूब हो हल्ला होता है, हम लोग टीवी पे खूब बताते हैं कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ठीक, उसके बाद कौन कौन सी चीजें होती हैं और कितना इंतजार करना होता है आम जनता को? 31 अक्टूबर को 25,000 करोड़ की इनॉग्रेशन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है नोएडा में। शिलान्यास हो रहा है किस किस चीज की रिगार्डिंग? डाटा सेंटर के 25,000 करोड़ के, तो उसमें कैसे कैसे लोगों को नौकरी मिलेगी? हीरा चंदानी नंदानी जी कर रहे हैं, वहाँ पर हो रहा है, तो उससे क्या फायदा होगा, मतलब किस तरीके के युवा तैयार रहे कि उनको उस डाटा सेंटर में अप्लाई करना है? आईटी का सबसे बड़ा हब बनेगा वो, आउटसोर्सिंग के जरिए होंगे कमाई? बिल्कुल, डाटा सेंटर आएंगे, डाटा से आजकल डाटा ही सबसे बड़ी चीज है, सोना है वो, लिक्विड है, बस वही है आजकल डाटा ही, जिसके पास डाटा है वो पूरे विश्व का मालिक है। तो यानी ये बताइए, कुछ पॉलिटिकल सवाल भी हो जाए, ये कहा जाता है कि दलितों की राजधानी है और मायावती जी का कभी यहाँ बड़ा वर्चस्व रहा, तो आपको लगता है कि कुछ है बचा हुआ किसी और के लिए कि सब कुछ आप ही लोग मारते जाएंगे? देखिए, हमने कुछ किया होगा तभी इतना बड़ा रिस्पॉन्स हमको पॉलिटिकल मिला, दलितों से भी मिला, बैकवर्ड से भी मिला, सवर्णों से भी मिला, तो कुछ तो हम लोगों ने किया होगा, वरना क्यों मिलता लगातार? आपने खुद कहा कि ये मायावती जी का सेंटर रहा, लेकिन आज भाजपा का सेंटर बन गया, और दो बार लगातार 9 की 9 सीटें भाजपा को मिल रही हैं। मैं आपको इसलिए रोक रही हूं, कुछ तो किया होगा हम लोगों ने, इसी से रेलेवेंट ये है ना, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर वोट चाहिए तो मोदी योगी के नाम पे हर जगह पे विधायकों को तो खासकर खूब वोट मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको लगता है कि आपके 9 के 9 विधायक अपने नाम अपने चेहरे पे ही वोट पाते आ रहे हैं या मोदी योगी का नाम चले जा रहा है? हमारे नेता बहुत इतना बड़ा कद बना चुके हैं कि उनके नाम पर वोट मिलता है, बात सही है, लेकिन विधायक की भी अपनी पूंजी भी है, पार्टी मोदी और योगी, पर्सनालिटी विधायक, पार्टी प्लस पर्सनालिटी इज इक्वल टू विक्ट्री। आप श्योर हैं आप कि आपके जितने विधायक हैं उनके अपने नाम पे उनके छवि पे बिल्कुल उनके अपना अपना आपके यहाँ की एक सीट बड़ी पॉपुलर सीट है, लोग कहते हैं किसी को भी खड़ा कर दो बीजेपी है? नहीं, ऐसे तो वो तो उत्तर प्रदेश की तीसरे नंबर की, वहां से कोई भी चुनाव लड़ जाए बीजेपी ही जीतेगी, वहां उत्तर प्रदेश की तीसरे नंबर की सीट है, लेकिन वहां का जो विधायक है आप जनता से पूछिए, वो गली गली में घूमने वाला विधायक है, पुरुषोत्तम जी जो है वहां के कार्यकर्ता है, वो जब चुनाव उनको टिकट मिली तो हर कार्यकर्ता ये सोचकर काम कर रहा है जैसे वो चुनाव लड़ रहा है खुद, इतने पॉपुलर है वो। ठीक है, सीट हमारी है, उत्तर प्रदेश की 3 बड़ी सीटों में वो एक है, सबसे नंबर मैं साहिबाबाद को मानता हूँ, नंबर 2 नोएडा को, नंबर 3 पर आगरा उत्तर को, नंबर 3 की सीट है वो। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि नोएडा छोड़ के कोई आगरा में नौकरी कर ले और रह ले, वो भी दिन भी आएगा, आप चिंता कब आएगा? अभी ऐसा है ना कि आप नोएडा से सीधे, आप लंदन से सीधे आगरा बना दें, उस गति को हम चल पड़े हैं, हम चल पड़े हैं, जितना तो हो हम चल पड़े हैं उस रास्ते पर, लखनऊ जितना तो हो नहीं चल पड़े हैं, क्योंकि आपको नहीं लगता कि वहाँ का लोड थोड़ा सा अलग यहाँ से हटेगा? यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह भी है, सोचा जाए अच्छे मौसम में ताज का दीदार करें, दिन में नौकरी करें, तो लोगों की जिंदगी कितनी सेटल होगी, लेकिन रह क्यों नहीं रहे यहाँ? नहीं, ऐसा है ना कि आगरा जितना पर्यटक आता है देश विदेश का, वो आगरा में कुछ तो होगा तभी तो आता है। मंत्री जी ये बताइए कि केवल जो इस बार का चुनाव होगा लोकसभा का, वो मोदी जी के नाम पे होगा कि अब 5 साल की आपकी सरकार हो गई तो योगी जी की भी उतनी ही भूमिका होगी? देखिए, दोनों ही नेता बहुत बड़े कद के हैं, दोनों ही इस समय विश्वविख्यात हैं, और दोनों ही जनता के अंदर घुस गए दिलों में, इसलिए उनका नाम तो है ही है हमारे पास, वो पूंजी है हम लोगों की, और बाकी जो पर्सनैलिटी चुनाव लड़ेगी उसका भी हर जगह होता है। मैंने कहा ना, पार्टी प्लस पर्सनैलिटी इज इक्वल टू विक्ट्री। नाम तो खूब बोलेगा, काम भी बोलेगा, नाम तो खूब बोल रहा है, काम बोलेगा, काम बिल्कुल, नाम इसीलिए हो रहा है काम, इस देश की जनता बिना काम के नाम नहीं देती। और इस बार गठबंधन हो गया तो फिर, क्योंकि विचार किया जा रहा है, पिछली बार कितने गठबंधन किए, ये गठबंधन कर करके
भी पक चुके हैं, अब ये सोच रहे होंगे कहां कब गठबंधन करें। हर गठबंधन का एक्सपेरिमेंट हो चुका है इस प्रदेश में। ये सवाल इस मंच पे हमने हर किसी से पूछा, जवाब कमोबेश विरेश एक ही है। कुल मिलाकर के मंत्री जी आपके कंधों पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जितना भी पर्यटन विभाग में नहीं काम हो पा रहा है, आईटी सेक्टर पर निगाहें हैं कि आने वाले वक्त में रोजगार जो आपने डेडलाइन के साथ बताई है जनता ने मांग की है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आईबीपी गंगा महापंचायत के इस मंच पर आने के लिए। धन्यवाद।